प्रशांत चित्रा को एकटक देखते हुए पूछता है, आप कैसे बचाएंगे लेखक बाबू को भाभी जी? चित्रा प्रशांत के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अनुराग का काला साया बनने का सफर जानकर प्रशांत जी, जिसमें आप मेरी मदद करेंगे। प्रशांत अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा भाभी जी, मैं आपकी मदद करूंगा। चित्रा हामी भरते हुए कहती है, हाँ प्रशांत जी, अब एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। प्रशांत चित्रा से कहता है, देखिए भाभी जी, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, पर अभी मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं। चित्रा प्रशांत को अपनी बात अच्छे से समझाते हुए कहती है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ प्रशांत जी कि अनुराग जब से यहाँ पर आए हैं तब से उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है, उसने कैसे यक्षिणी की कहानी लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा की, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक आप ही हैं यहाँ पर जो अनुराग के दोस्त हैं, वरना तो वो यहाँ पर किसी से बात तक नहीं करता है, आप ही उसका पूरा सफर जानते हैं जब से वो यहाँ पर आए हैं। प्रशांत चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, भाभी जी, मैं लेखक बाबू के इतना करीब भी नहीं हूँ कि उनके बारे में सब कुछ जानूं, वो कहाँ किसी को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। चित्रा प्रशांत को एकटक देखते हुए उससे कहती है, प्रशांत जी, जितना आप जानते हैं उतना ही बता दीजिए, शायद उसी से मैं समझ जाऊं कि अनुराग काला साया कैसे बना। प्रशांत कहता है, ठीक है भाभी जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर प्रशांत चित्रा को सब कुछ बताने लग जाता है कि उसकी और अनुराग की दोस्ती कैसे हुई, कैसे वो पब्लिशर को लेकर ग्रेवयार्ड को ठीक गया था, प्रशांत ने यक्षिणी के बारे में अनुराग को क्या क्या बताया था, अनुराग ने उसे किस वजह से यक्षिणी कहानी के चैप्टर पढ़ने के लिए दिए थे। प्रशांत एक ही सांस में चित्रा को सब कुछ बता देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। प्रशांत की सारी बातें सुनते हुए बस चित्रा मायूसी होते जा रही थी, उसके चेहरे पर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। प्रशांत अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, बस भाभी जी, फिर उसके बाद लेखक बाबू ने यक्षिणी के अगले चैप्टर में क्या लिखा, कैसे लिखा, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद तो उन्होंने मुझसे मिलना और बात करना दोनों बंद कर दिया था, अपनी दुनिया में खो गए थे। मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें कहानी लिखने में परेशान कर रहा हूँ और वो पूरी लगन के साथ कहानी लिखना चाहते हैं, इसलिए फिर मैंने भी उनसे मिलना बंद कर दिया था। और अब आपको तो पता ही है कि वो आपके और मेरे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, उसी वजह से लेखक बाबू और मेरे रिश्ते में भी कड़वाहटें पैदा हो गई हैं। अब तो कभी वो मुझे रास्ते में मिलते हैं तो दूसरी तरफ नजर कर लेते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते हैं वो। इतना कहकर प्रशांत चुप हो जाता है। चित्रा भी मायूस सा चेहरा लेकर वहां पर शांत खड़ी रहती है। चित्रा और प्रशांत दोनों के बीच में खामोशी बनी हुई थी। जब चित्रा प्रशांत से कुछ नहीं कहती तो प्रशांत ही चित्रा से बोल पड़ता है, क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी मायूस क्यों हो गई? चित्रा पलट कर कहती है, मायूस नहीं हूं तो क्या हूं प्रशांत जी, मैंने सोचा था शायद आपसे मुझे पता चल जाएगा कि अनुराग के अंदर कब से बदलाव आया है, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं अपने अनुराग को कैसे बचाऊंगी, आप ही बताइए। प्रशांत कुछ कहता उससे पहले ही चित्रा फिर प्रशांत से बोल पड़ती है, थोड़ी और बातें याद करने की कोशिश कीजिए प्रशांत जी, हो सकता है कि आप कुछ बताना भूल गए हो, कुछ तो ऐसा होगा कि जब से आपको लगा होगा कि अनुराग बदल रहा है, ऐसी कोई बात जैसे उसके बात करने का तरीका या उसके व्यवहार में बदलाव आया हो, उसका लहजा बदला हो। चित्रा की ये बातें प्रशांत के कानों में बार बार गूंजने लग जाती है, वो अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर देने लग जाता है। तभी उसे अनुराग के बारे में कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, लहजा तो नहीं भाभी जी, पर चाल जरूर बदली हुई थी। चित्रा अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, चाल बदली हुई थी मतलब प्रशांत जी? प्रशांत चित्रा को सब कुछ अच्छे से समझाते हुए कहता है, मतलब ये भाभी जी कि मुझे अच्छे से याद है, एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर चाय बना रहा था तो वहां से लेखक बाबू गुजरे थे और उनके हाथ पैर पर कई सारी खरोचे भी लगी हुई थी, कुर्ता तो खून से लथपथ था, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे थे, उनके राइट पैर में गहरी चोट आई थी। मैंने उनसे पूछा भी था कि उन्हें ये चोट कैसे लगी, पर उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं, बताना तो छोड़िए उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, मुझे नजरअंदाज करके वहां से चले गए, जैसे उन्हें कहीं जाने की जल्दी हो। मैं तो कहते कहते थक गया कि चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, वहां से वो चले गए। चित्रा झट से बोल पड़ती है, अनुराग पहले नहीं लंगड़ाता था, यहीं पर आने के बाद तो वो लंगड़ाने लग गया था, क्या आपको पता है उसके पैर में वो चोट कैसे लगी थी, वो कहां गया था? प्रशांत चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा ना भाभी जी, मैंने बहुत पूछा लेखक बाबू से उस चोट के बारे में, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। प्रशांत कुछ सोचते हुए कहता है, पर हो सकता है लेखक बाबू वहां पर गए हो, उसी के बाद उनके पैर में वो चोट लगी हो। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ प्रशांत से पूछती है, वहां कहां प्रशांत जी, आप अनुराग के कहां जाने की बात कर रहे हैं? प्रशांत एक लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, पंचिम भाभी जी। चित्रा हैरानी के साथ प्रशांत से कहती है,
क्या कहा? पंचिम गांव प्रशांत जी। प्रशांत चित्रा की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ भाभी जी पंचिम, मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मैंने लेखक बाबू को उस चोटिल हालत में देखा था। उसके एक दिन पहले भी वो मेरी दुकान पर आए थे मुझसे मिलने के लिए। चित्रा प्रशांत को बीच में टोकते हुए कहती है, अनुराग आपसे मिलने के लिए आया था पर क्यों प्रशांत जी? प्रशांत चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यक्षिणी कहानी की वो पहली स्क्रिप्ट के लिए जो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी थी। यक्षिणी कहानी का पहला चैप्टर मेरे पास ही रखा हुआ था पर उस दिन मैं दुकान पर नहीं था, मेहंदी पथार गया था। मेरी पत्नी पाउली दुकान पर थी, उसी ने मुझे ये बात बताई थी कि लेखक बाबू अपनी कहानी की स्क्रिप्ट मांगने आए थे पर मेरे वापस आने से पहले ही वो वहां से चले गए। चित्रा प्रशांत को घूरते हुए हैरानी के साथ उससे पूछती है, अगर अनुराग आपके आने से पहले ही चले गया था तो आपको कैसे पता कि अनुराग पंचिम गांव गया था? प्रशांत पलट कर कहता है, मुझे मेरी पत्नी पाउली की वजह से इस बारे में पता चला भाभी जी। प्रशांत आगे की बात कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, आप तो जानती हैं भाभी जी मेरी पत्नी पाउली कैसी है, उसे ना दूसरों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। उस दिन जब आप पहली बार मेरी दुकान पर आई थी तो उसने हमारे बीच की बातें तक सुन ली थी, तो आपको क्या लगता है कि उसने लेखक बाबू को छोड़ा होगा? पाउली मुझे बता रही थी कि उस दिन जब लेखक बाबू मेरी दुकान पर मेरा इंतजार कर रहे थे तो उस वक्त बल्लू काका भी वहां पर आ गए थे और दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लग गए थे। मेरी पत्नी पाउली ने अपने तेज कानों से उनके बीच की सारी बातें सुन ली थी। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ प्रशांत से पूछ पड़ती है, क्या बातें कर रहे थे वो? प्रशांत चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लेखक बाबू बल्लू काका से भक्षानर के बारे में पूछ रहे थे। चित्रा अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा आपने? प्रशांत जी भक्षानर? प्रशांत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ भाभी जी भक्षानर। लेखक बाबू को यक्षिणी की कहानी में भक्षानर के बारे में लिखना था पर उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बल्लू काका ने तो पहले साफ मना कर दिया था कि उन्हें भक्षानर के बारे में कुछ नहीं पता, पर फिर लेखक बाबू बल्लू काका पर दबाव बनाने लगे और उन्होंने कहा कि अगर उनकी यक्षिणी पर कहानी लिखकर पूरी हो गई तो वो ग्रेवयार्ड को ठीक है, वो तो मेघालय छोड़कर ही यहाँ से वापस अपने शहर चले जाएंगे। इसी वजह से बल्लू काका को जितना भी भक्षानर के बारे में पता था वो उन्होंने बता दिया था। साथ में ये भी बता दिया कि पहला भक्षानर कालाझाड़ी जंगल में और आखिरी पंचिम गांव में देखा गया था। प्रशांत अपनी बात खत्म करते हुए चित्रा से कहता है, मुझे यही लगता है चित्रा भाभी कि लेखक बाबू जरूर पंचिम गांव गए होंगे। वैसे उस वक्त बल्लू काका से तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो पंचिम गांव नहीं जाएंगे, पर आप तो जानती हैं कि लेखक बाबू के अंदर कहानी लिखने की कितनी तड़प है। आप ही बताइए, जब वो यक्षिणी के बारे में जानने के लिए अमावस्या की रात घाट पर जा सकते हैं तो फिर क्या भक्षानर के बारे में जानने के लिए पंचिम गांव नहीं जा सकते? चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, मतलब अनुराग भक्षानर के बारे में जानने के लिए पंचिम गांव गया और खुद भक्षानर बनकर आ गया। चित्रा ने अभी इतना कहा ही था कि प्रशांत अपनी जगह पर उचकते हुए बौखलाहट के साथ कहता है, ओ शिट, ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? चित्रा तुरंत प्रशांत से पूछती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं प्रशांत जी? प्रशांत अपने मन की बात चित्रा से कहते हुए बोल पड़ता है, आपको पता है भाभी जी मर्दों की लाशें कब से नहीं मिल रही है घाट पर? चित्रा प्रशांत को ही एकटक देखते हुए उससे पलट कर कहती है, कब से प्रशांत जी? प्रशांत कहता है, तब से ही भाभी जी जब से लेखक बाबू पंचिम गांव गए थे। मुझे अच्छे से याद है जब लेखक बाबू पंचिम गांव गए थे उसी के बाद से जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आई गांव के मर्द तो गायब हुए पर उनकी लाश किसी को नहीं मिली। यक्षिणी ने शिकार करने के साथ साथ उनकी लाशें तक गायब कर दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो शिकार यक्षिणी ने नहीं बल्कि लेखक बाबू ने करे थे काला साया बनकर। आप सही कह रही हैं, लेखक बाबू पंचिम गांव भक्षानर के बारे में पता करने गए और खुद भक्षानर बनकर आ गए थे। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, पर पंचिम गांव में अनुराग के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिस कारण वो भक्षानर बन गया? प्रशांत पलट कर कहता है, अब वो तो लेखक बाबू ही जानते हैं भाभी जी कि उनके साथ पंचिम गांव में आखिर हुआ क्या था। प्रशांत और चित्रा आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी युग की आवाज सुनाई देती है, पापा पापा। जब चित्रा और प्रशांत अपनी नजरें सामने करते हैं तो देखते हैं कि युग और बिंदु जहां पर रेत के टीले बनाकर खेल रहे थे वहीं पर अनुराग खड़ा हुआ था। अनुराग वहां पर कब आ गया था चित्रा और प्रशांत को पता ही नहीं चला था। अचानक से अनुराग को वहां पर देखकर प्रशांत और चित्रा के होश उड़ जाते हैं। प्रशांत तो डर के मारे फिर से कांपने लग गया था। अनुराग गुस्से के साथ प्रशांत और चित्रा को घूरे जा रहा था। अनुराग उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उनके पास जाकर उन दोनों को बारी बारी से घूरते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, अच्छा तो यहाँ पर तोता और मैना गुटरगू कर रहे हैं और मैं वहाँ पर परेशान हो रहा हूँ कि चित्रा अभी तक मेरे बेटे युग को लेकर आई क्यों नहीं। मुझे क्या पता था कि वो अपने बेटे को लेने के बहाने अपने प्रेमी से मिलने गई है। चित्रा तुरंत पलट कर कहती है,
ये तुम क्या बोल रहे हो अनुराग, कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत करो, उन पर क्या असर पड़ेगा। अनुराग पलट कर कहता है, ये तुम मुझसे कह रही हो चित्रा कि उन पर क्या असर पड़ेगा। तुम और प्रशांत जरा अपनी हरकतें तो देखो और फिर सोचो कि उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। प्रशांत तो अनुराग को वहां पर देखकर इतना डर गया था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके मन में तो यही ख्याल चल रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा हुआ था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि भक्शानर का वंशज है जिसने काला साया बनकर कई मर्दों को मारा है। इसी डर से वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस चित्रा ही थी जो अनुराग के सामने ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसे अनुराग की सच्चाई के बारे में कुछ पता ना हो। वही अनुराग को पलट कर जवाब दिए जा रही थी। चित्रा फिर एक बार अनुराग से बोल पड़ती है, देखो अनुराग, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो युग को लेकर सीधे घर पर ही आ रही थी पर उसने कहा कि उसे बिंदु के साथ खेलना है। ग्रेवयार्ड कोठी में रहने के कारण कोई भी उसका दोस्त खेलने के लिए वहां पर नहीं आता है, इसीलिए वो यहीं पर खेलना चाहता है। तो युग का मन रखने के लिए मैं भी उसे मना नहीं कर पाई, यहीं पर बिंदु के साथ खेलने दिया। अनुराग चित्रा से कहता है, युग का मन रखने के लिए चित्रा या अपना मन रखने के लिए? युग को आड़ में क्यों ला रही हो? सीधे सीधे बोलो ना, तुम्हें प्रशांत के साथ वक्त बिताना था, प्यार भरी बातें करनी थी, ये करने का तुम्हारा मन था। चित्रा फिर अनुराग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं अनुराग ऐसा। चित्रा अनुराग को समझा पाती उससे पहले अनुराग बोल पड़ता है, तुम ना रहने दो चित्रा, तुम्हें जो करना है करो पर मेरे बेटे की आड़ में कुछ मत करो, अपने साथ उसे भी बर्बाद मत करो। इतना कहकर अनुराग युग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहां से जाने लग जाता है। चित्रा को भी ना चाहते हुए उसी वक्त अनुराग के पीछे जाना पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अनुराग को जरा सा भी शक हो कि उसे अनुराग की सच्चाई के बारे में पता है। वहां से जाने के कारण वो प्रशांत से अपनी बातें पूरी नहीं कर पाती है, उसे बता ही नहीं पाती है कि आगे क्या करना था। प्रशांत बिंदु के साथ वहीं पर खड़े रहता है। जैसे ही चित्रा वहां से चली जाती है, आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल हुई, सब धुंधला हुआ और फिर कुछ देर बाद युग को चित्रा का चेहरा नजर आता है। चित्रा युग से कहती है, उस दिन मैं समझ गई थी युग बेटा कि पंचम गांव जाने के बाद ही अनुराग में भक्शानर के गुण जागृत हुए थे और उसने काले साए का रूप लिया था। अब इसके बाद मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ पंचम गांव में हुआ क्या था और ये जानने के लिए मेरा पंचम गांव में जाना बहुत जरूरी था। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं भी पंचम गांव जाकर रहूंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।